नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए हैं पाठ संख्या 2 पर, और पाठ संख्या 2 का शीर्षक है ईमानदारी का फल। आपको पता है ना बच्चों कि हम ईमानदारी किसे कहते हैं? जब हम किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलते, जब हम कोई गलत काम नहीं करते और सिर्फ अपनी ही मेहनत का फल चाहते हैं, उस इंसान को कहते हैं कि वह ईमानदार है। तो चलिए देखते हैं पाठ में क्या है। चित्र पर आधारित गतिविधि है। सबसे पहले, ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है, इस वाक्य पर अपने विचार व्यक्त करो। तो बच्चों, आप ये गतिविधि करेंगे, आप अपने विचार व्यक्त करेंगे, ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है, इस पंक्ति पर। पाठ में प्रवेश करते हैं। ईमानदारी एक मूल्यवान गुण है जो व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाता है। इसका अर्थ है सच्चाई और निष्ठा का पालन करना, जिससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। ईमानदारी न केवल स्वयं के प्रति बल्कि दूसरों के प्रति भी उत्कृष्टता और सजीवता का संकेत है। इसके माध्यम से व्यक्ति कार्यों में सजीव रूप से शामिल होता है और समाज को एक नेतृत्व का अभ्यास प्रदान करता है। आइए शुरू करते हैं। सबा बहुत प्यारी लड़की थी। वह जिस विद्यालय में पढ़ती थी वह शहर का सबसे अच्छा विद्यालय माना जाता था। यहाँ का अनुशासन और शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था। शिक्षक बालकों को शिक्षा देने के साथ साथ अच्छी आदतें अपनाने पर भी बल देते थे। विभिन्न छंदों द्वारा प्रतिभा प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। कोई छात्र डाक टिकट तो कोई सिक्के इकट्ठे करता, कोई अभिनंदन या बधाई पत्र तो कोई नेताओं के चित्रों का संग्रह करता। इस विद्यालय के सुंदर स्वच्छ गणवेशधारी छात्र जहाँ भी जाते अपने विद्यालय का नाम रोशन कर देते। खेलकूद हो, भाषण प्रतियोगिता हो या वाद विवाद स्पर्धा हो, हर स्थान पर इस विद्यालय के छात्र शीर्ष पर रहते। सबा एक प्रतिभाशाली और मेहनती लड़की थी। वह सदैव कक्षा में प्रथम स्थान पर रहने के लिए प्रयत्नशील रहती। वर्ष में 4 परीक्षाएं होती थी। पहली परीक्षा में जो प्रथम आता उसे एक पदक दिया जाता। पदक किसे कहते हैं बच्चों? मेडल को। यह पदक उसे प्रतिदिन पहनकर आना पड़ता। दूसरी परीक्षा में यदि वह ही प्रथम रहता तो पदक उसी की धरोहर होता। यदि कोई दूसरा छात्र प्रथम आ जाता तो पदक उसे सौंप दिया जाता। सभा आरंभ की 1-2 परीक्षाओं में प्रथम क्रमांक प्राप्त कर लेती, पर वार्षिक परीक्षा में सदैव अजीत से पीछे हो जाती। अजीत बहुत ही मेधावी छात्र था। 7वीं कक्षा की पहली दोनों परीक्षाओं में अजीत ने प्रथम क्रमांक प्राप्त किया। सभा हतोत्साहित हो गई। उसके माता पिता ने उसे ढाढ़स बंधाया, उसे चींटी की कहानी सुनाई जो मुंह में अन्न का दाना लेकर दीवार पर चढ़ने के प्रयत्न में बार बार नीचे गिर जाती थी, लेकिन चींटी हिम्मत नहीं हारती थी। वह निरंतर प्रयत्न करती रहती थी और अंततः अपने प्रयत्न में सफल हो ही जाती थी। सभा की माँ ने उससे कहा, सभा बेटी, काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, प्रयत्न करने से सफलता अवश्य मिलती है। माँ की यह सीख सभा ने गांठ बांध ली। 3रे सत्र की परीक्षा में सभा ने जी जान से पढ़ाई की। प्रश्नों के उत्तर मन लगाकर लिखे और परीक्षा फल की प्रतीक्षा करने लगी। उसके माता पिता उसकी व्याकुलता को देख वह समझ रहे थे। परीक्षा फल घोषित हुआ। सभा ने प्रथम और अजीत ने द्वितीय क्रमांक प्राप्त किया। अब सभा प्रसन्न थी। परीक्षा फल घोषित होने के 2 दिन बाद सभा अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देख रही थी। जहाँ जहाँ उसने गलतियाँ की थी उन्हें सही करने के लिए अलग कागज़ पर लिख रही थी।
सहसा एक स्थान पर उसकी दृष्टि अटक कर रह गई। वह सामाजिक अध्ययन की उत्तर पुस्तिका थी। एक प्रश्न था, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखो। कुल 9 प्रश्न थे। सभा को संभवतः सभी के उत्तर आते थे, इसीलिए आनंदातिरेक में उसने दिए गए उस निर्देश पर ध्यान नहीं दिया और 7 प्रश्नों के उत्तर लिख दिए। इस कारण उसे 2 प्रश्नों के अधिक अंक प्राप्त हो गए थे। सभा सोच में पड़ गई। इस प्रकार उसे 4 अंक अधिक मिल गए थे और वह अजीत से आगे हो गई थी। यदि ये 4 अंक कम कर दिए जाते तो वह अजीत से पीछे हो जाती। उसने शीघ्रता से शेष उत्तरों के अंक भी जोड़े, पर उन सभी का जोड़ सही था, कहीं कोई अंक कम ज्यादा ना था। सभा ने मन में कहा, अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर लिखने के कारण मुझे अधिक अंक मिले हैं, इसी कारण मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर सकी हूँ। इस तथ्य से केवल मैं ही अवगत हूँ। यदि मैं यह सत्य छिपा लूँ तो प्रथम स्थान पर यथावत बनी रहूँगी। अगले ही क्षण उसे विचार आया, यह गलत है। पहले सभा के मन में आया कि इस चीज़ से सिर्फ मैं ही अवगत हूँ कि मेरे नंबर जो है वो ज़्यादा हैं। अगर मैं इस बात को छिपा लेती हूँ तो मैं ही प्रथम स्थान पर बनी रहूँगी। सभा ने अपने पिता की सलाह ली। उन्होंने कहा, सभा बेटी, मैंने और तुम्हारी मम्मी ने सदैव तुम्हें सच्चाई का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी है। निर्णय तुम्हें ही करना है। सभा ने अंततः निर्णय ले ही लिया। अगले दिन शिक्षिका के सामने उसने अपनी उत्तर पुस्तिका रख दी और उन्हें पूरी बात बता दी। शिक्षिका बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पूरी कक्षा के छात्रों को सभा की ईमानदारी के बारे में बताया और फिर मुख्याध्यापिका से परामर्श लेने चली गई। सभा अपने डेस्क की ओर वापस आती हुई अजीत के पास रुकी और बोली, बधाई हो अजीत, अब तुम ही प्रथम रहोगे। अजीत ने हंसकर उसे धन्यवाद कहा और कक्षा के बाहर चला गया। शीघ्र ही वह वापस भी आ गया। फिर कक्षाध्यापिका और मुख्याध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश किया। मुख्याध्यापिका ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, हम सब सभा की ईमानदारी से प्रसन्न हुए। उसे मालूम था कि सत्य प्रकट कर देने से उसका प्रथम क्रमांक चला जाएगा, फिर भी उसने सत्य बोला। सभा की ईमानदारी का यही फल हो सकता है कि उसके अंक कम ना किए जाएं। अजीत ने अभी अभी मेरे कार्यालय में आकर प्रार्थना की है कि सभा के अंक कम ना किए जाएं। हम इन दोनों विशाल हृदय छात्रों का अभिनंदन करते हैं तथा दोनों को प्रथम क्रमांक का अधिकारी घोषित करते हैं। कक्षा के सब छात्रों ने करतल ध्वनि से इस निर्णय का स्वागत किया। सभा मुस्कुराती हुई सोच रही थी कि मम्मी पापा सही कहते हैं कि ईमानदारी का फल बहुत मीठा होता है। और इस कहानी को लिखा है डॉक्टर बानो सरताज काजी ने। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिए हुए हैं हमें कठिन शब्द जिन्हें आपने अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखना है। अनुशासन, विद्यालय, स्तर, प्रतिभा, प्रोत्साहित, प्रदर्शन, गणवेशधारी, स्पर्धा, शीर्ष, प्रयत्नशील, धरोहर, क्रमांक, हतोत्साहित, ठाडस, व्याकुलता, घोषित, निर्देश, अध्ययन, आनंदातिरेक, शीघ्रता, निर्णय, कार्यालय, विशाल हृदय, अभिनंदन, करतल ध्वनि। अब हैं शब्दार्थ जो आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रतिभा, प्रतिभा का अर्थ है असाधारण बुद्धि। शीर्ष, सबसे आगे या ऊपर। प्रोत्साहित, उत्साह बढ़ाना। मेधावी, बहुत बुद्धिमान। गणवेशधारी, विशिष्ट पोशाक पहनने वाला या वर्दी, या फिर हम उसे यूनिफॉर्म भी कहते हैं। आनंदातिरेक, बहुत खुशी में।
स्पर्धा प्रतियोगिता यथावत ज्यों का त्यों परामर्श सलाह या मार्गदर्शन। चलिए अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। बताओ क्या पढ़ा, आपको अजीत का सुझाव कैसा लगा और क्यों? क्या था अजीत का सुझाव? हमें अजीत का सुझाव कैसा लगा और क्यों ये बताने के लिए पहले आप बताएं क्या था अजीत का सुझाव। बच्चों अजीत का सुझाव था कि सभा के अंक कम ना किए जाएं और यह सुझाव बहुत ही अच्छा था क्योंकि सभा को उसकी ईमानदारी का फल मिलना चाहिए था। कक्षाध्यापिका और मुख्याध्यापिका ने क्या निर्णय लिया और क्यों? कक्षाध्यापिका और मुख्याध्यापिका ने सभा के अंक कम ना करने का निर्णय लिया क्योंकि वह सभा की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न थे और उसे उसका इनाम देना चाहते थे। सभा के हतोत्साहित होने पर माता पिता ने उसे क्या और कैसे समझाया? सभा के हतोत्साहित होने पर माता पिता ने उसे चींटी का उदाहरण देकर समझाया कि कैसे चींटी मुंह में आटा रखकर या मुंह में दाना रखकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश में लगी रहती है, बार बार गिरने के बाद भी वह अपना प्रयत्न नहीं छोड़ती, इसीलिए लगातार लगे रहने से किसी भी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। सभा के विद्यालय में किस पर बल देते थे? जीवन मूल्यों पर। सभा के विद्यालय का मान सम्मान बढ़ जाता था जब विद्यार्थी अन्यों की तुलना में शीर्ष पर रहते थे। कक्षा में प्रथम आने पर मिलने वाला पदक किनके बीच घूमता रहता? अजीत, सभा। सभा को डैश के कारण अधिक अंक मिल गए थे अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर लिखने के कारण। नंबर 3 पर हमें दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सभा का विद्यालय शहर का सबसे अच्छा विद्यालय माना जाता था। सभा एक प्रतिभाशाली और मेहनती लड़की थी। पहली परीक्षा में जो प्रथम आता उसे एक पदक दिया जाता था। विद्यालय में अनुशासन और शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था। अजीत बहुत ही मेधावी छात्र था। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। सभा के विद्यालय के छात्र हर स्थान पर शीर्ष पर रहते? सही। सातवीं कक्षा में अजीत ने द्वितीय क्रमांक प्राप्त किया? सही। सभा के माता पिता ने उसे चींटी की कहानी सुनाई? सही। सभा ने कक्षाध्यापिका और मुख्याध्यापिका को सच्चाई बता दी? नहीं, सभा ने सिर्फ कक्षाध्यापिका को ही सच्चाई बताई। ईमानदारी का फल बहुत कड़वा होता है? नहीं, ईमानदारी का फल बहुत मीठा होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सभा के हतोत्साहित होने का मुख्य कारण क्या था? सभा के हतोत्साहित होने का मुख्य कारण यह था कि लगातार सातवीं कक्षा की दो परीक्षाओं में अजीत पहले क्रमांक पे था, इसी कारणवश सभा हतोत्साहित हो गई। तीसरे सत्र के परीक्षा फल के लिए सभा क्यों बेचैन थी? तीसरे सत्र के परीक्षा फल के लिए सभा इसीलिए बेचैन थी क्योंकि वह प्रथम क्रमांक पाना चाहती थी जिसके लिए उसने बहुत अधिक परिश्रम किया था। आप सभा की कौन कौन सी विशेषताएं अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो बच्चों ये आप अपने आप करेंगे, ये होगा आपका गृह कार्य। ठीक है, सभा की जो जो विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे उसे आप बताएंगे। प्रथम क्रमांक प्राप्त करने का असली कारण पता चलने पर सभा के मन में पहले क्या विचार आया? सभा के मन में पहले यह विचार आया कि यदि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं, क्योंकि इस सच्चाई से कि मुझे अतिरिक्त अंक मिले हैं सिर्फ मैं ही अवगत हूँ, तो मैं प्रथम स्थान पर बनी रह सकती हूँ। परीक्षा में प्रथम आने के बाद सभा अपनी उत्तर पुस्तिका क्यों देख रही थी? परीक्षा में प्रथम आने के बाद सभा अपनी उत्तर पुस्तिका इसीलिए देख रही थी ताकि उसने जहाँ जहाँ गलती की है वह उन्हें अलग लिखकर उनमें सुधार कर सके।
सभा किस दुविधा में थी, उसने स्वयं को उस दुविधा से बाहर कैसे निकाला। सभा इस दुविधा में थी कि वह अपने अतिरिक्त अंक मिलने की बात को किसी को बताए या ना बताए। फिर उसने अपने पिता से परामर्श किया और उसके पिता ने कहा, हमने तुम्हें सच्चाई का साथ देना सिखाया है, ईमानदारी का फल मीठा होता है, निर्णय तुम्हारा है। तब सभा ने निर्णय लिया कि वह ईमानदार रहेगी, सच्चाई के रास्ते पर चलेगी और उसने अपने आप को इस दुविधा से बाहर निकाल लिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी और कैसा लगा आपको सभा की ईमानदारी का फल? अच्छा लगा ना? तो आप सब भी ईमानदार रहिए और उस मीठे फल को चखिए अपने जीवन में। आभार, मिलेंगे अगले पाठ के साथ।